नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, क्या करोगे, क्या करोगे, गोली मारोगे, जेल में डालोगे, डालो डालो। टीवी पर आकर कहता है, और फिर एक बीजेपी का विधायक जो था, हम आते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलता। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया। कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञान माफी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं। माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है, तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर GST लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो माँ बाप पर तो टेंशन में मर रहे हैं मोदी जी, वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भिजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने GST लगा दिया, किताब पर GST लगा दिया, चावल का पैकेट GST, दाल की पैकेट GST, तेल का डब्बा GST, अब खाली सांस लेने पर GST लगाना बाकी। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा हूं। मैं कुरान को, सुन्नत को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे किसी के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ बोल सकता हूं। हाँ, मुझे फकर है कि मैं मुसलमान हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे फकर रहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मगर क्या मैं किसी समुदाय का खिलाफ हूं? कभी नहीं था, ना रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब आपको चांद और सूरज मिल सकता है, तो मुझे नहीं मिल सकता? जब दूसरों को सब सम्मान मिलता है, तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा? जब दूसरों की जान की कीमत है, तो मेरी जान की कीमत नहीं है? यही तो मेरी लड़ाई है कि बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और इसी पर हम उंगलियां उठाते हैं कि वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान करते रहूंगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारी जनसभा में लोगों को रोक कर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोक कर बताओ देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए, 6-6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने ये हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा, तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अजम को नहीं रोक सकती, तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा? इंशाल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं